हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा अगेन। और जैसा आप जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करता हूं उस पर ट्रेन करते हैं। ये वीडियो जो है वो बात कर रही है, जैसे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करी, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करी, अब हम करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे कि क्या मुझे करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं हर वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आपको पता ना हो तो हमने varunmalhotra.co.in पे अपना अवेयरनेस प्रोग्राम जो 4 घंटे का होता है वो फ्री कर दिया है। तो आप varunmalhotra.co.in पे जाके ये हमारा फ्लैप विच इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए और वो वीडियोज देखिए। वो एक नो नथिंग इन्वेस्टर को कैसे वेल्थ क्रिएट करनी है उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। तो अब हम बात करते हैं कि करेंसी मार्केट में ये बनाई क्यों है हमारी करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट का भी मेन रीजन जो है वो हेजिंग ही है, विच इज हेजिंग फॉर हुम, फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स करेंसी मार्केट को यूज करके हेज करते हैं अपनी पोजीशंस को। तो समझते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, समझिए कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो समझिए मैं इंडिया में हूँ और मैंने अमेरिका से कोई ऑर्डर लिया, तो अमेरिकन कंपनी से कोई ऑर्डर लिया, उस अमेरिकन कंपनी ने बोला कि हम आपको ये प्रोजेक्ट खत्म करने का $1 देंगे। तो मैंने हिसाब लगाया कि आज $1 में करीब 70 रुपये हैं। तो मुझे पता लगा कि ठीक है, अगर मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करूंगा तो मेरे को $1 मिलेगा और वो $1 की वैल्यू 70 रुपये है। फिर मैंने इंडिया में इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट किया और पता लगाया कि शायद मैं अगर मैं प्रोजेक्ट खत्म करूंगा तो 45 रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैं एज अ एक्सपोर्टर ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं 45 रुपीज़ में ये काम खत्म करके डिलीवर कर दूं और $1 ले लूं और 70 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, तो मेरे को 25 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने पूरे साल काम किया, 45 रुपये लगाए और काम अच्छे से किया, कॉस्ट कंट्रोल भी कर ली, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक साल बाद अमेरिकन कंपनी ने मेरे को मान लेते हैं $1 पूरे दे भी दिए, लेकिन उस दिन अगर $1 में समझिए 40 रुपये हो गए, तो मेरा पूरा बिजनेस जो है वो फेल कर गया है। क्योंकि मेरे को अब 40 रुपये मिल रहे हैं जबकि मैं 45 रुपये खर्च कर चुका हूं, क्योंकि $1 में अब 70 रुपये नहीं, एक साल बाद $1 में 45 रुपये हो चुके हैं। तो इसको बोलते हैं बिजनेस का करेंसी रिस्क। अब इस करेंसी रिस्क को मैं दूर करने के लिए क्या कर सकता था, जिस दिन मैंने ये प्रोजेक्ट लिया जहां मेरे को पता था कि मेरे को $1 मिलने ही वाला है, अगर मुझे पता है कि मुझे $1 मिलने ही वाला है एक साल बाद और 45 रुपये मेरा काम हो जाएगा, तो मैं आज ही फ्यूचर में ये डॉलर जो है सेल कर दूंगा, $1 सेल कर दूंगा। किस प्राइस पे सेल करूंगा, एट 70 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि अभी रेट 70 रुपीज़ चल रहा है, तो 70 से हल्का सा शायद ज़्यादा होगा, बट अगेन उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ते। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मुझे एक साल बाद $1 मिलने वाला है और वो $1 को मैंने आज ही फ्यूचर में सेल कर दिया 70 रुपये के आसपास। अब मेरा रिस्क जो है वो खत्म हो गया है, मुझे अब पता है कि मैं अपना काम करूंगा 45 रुपये में, जिस दिन मेरे को $1 मिलेगा तो मेरे को $1 मिलेगा, मैं $1 के बदले 70 रुपये ले लूंगा, चाहे वो $1 में उस दिन 40 रुपये हो। नुकसान ये है कि $1 में उस दिन शायद 90 रुपये भी हो, तो भी मेरे को तो मेरे 70 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि मैं फ्यूचर में $1 को 70 रुपये में सेल कर चुका हूं। उसी तरीके से एक इंपोर्टर कैसे यूज कर सकता है इसको वो समझते हैं। मान लीजिए मैं कोई अमेरिकन मशीनरी खरीदने वाला हूं या अमेरिकन रॉ मटेरियल, अमेरिकन कंपनी से कोई रॉ मटेरियल खरीदता हूं और वो रॉ मटेरियल $1 का है, आज मुझे पता है $1 में 70 रुपये आते हैं, तो मैं सोच रहा हूं 70 रुपये का एक साल बाद रॉ मटेरियल लूंगा और इंडिया में वो लेके उसको 90, 80, 100 रुपये में बेच दूंगा। तो मैंने वो रॉ मटेरियल वहां से लिया या कोई ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो 70 रुपये का प्रोडक्ट जो है मैंने अमेरिका से खरीदा, उस टाइम पे $1 में 70 रुपये हैं, तो $1 का मैंने सामान खरीदा, वो सामान मैं लेके आया, मुझे 70 रुपये का पड़ा और मैंने मार्केट में उसको 90 रुपये का बेच दिया, तो 20 रुपये पैसा कमाया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब तक मैंने यहाँ पे किसी को 90 रुपये में सेल तो कर दिया, वो पक्का हो गया कि यहाँ पे बंदा 90 रुपये में लेने वाला है, लेकिन जब मैं वहाँ लेने गया तो $1 में 100 रुपये हो गए, तो अब मेरे को 100 रुपये दे के वो $1 का जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 90 में बेच चुका हूँ तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मैं फ्यूचर में जैसे वहाँ पे $1 को हमने सेल कर दिया था, मैं आज ही फ्यूचर में $1 को बाय कर लेता हूँ, $1 को बाय कर लेता हूँ। किस प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, से 70 रुपये पे। अब चाहे $1 में 90 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए या 200 रुपये हो जाए, मुझे अब $1 के लिए कितने रुपये भरने पड़ेंगे, 70 रुपये ही भरने पड़ेंगे और मैं इंडिया में प्रोडक्ट ला के 90 रुपये में बेच दूंगा। तो मैंने करेंसी रिस्क क्या कर दिया है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों फ्यूचर में डॉलर को खरीद के या डॉलर को बेच के अपना करेंसी रिस्क को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं।
ये मार्केट भी पैसा कमाने के लिए नहीं है। क्यों कमाने के लिए नहीं है? पहला हमने बोला ये हेजिंग के लिए। दूसरा, अगर आप किसी करेंसी में इन्वेस्ट भी करते हैं तो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि करेंसी ना तेजी से बढ़ सकती है ना तेजी से गिर सकती है लंबे समय में। कभी हो सकता है छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आ जाएं, बट लंबे समय में करेंसी को ना बहुत बढ़ना चाहिए ना बहुत गिरना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत गिर गया और बहुत बढ़ गया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब एकदम से करेंसी जो है उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छी करेंसी की खासियत ही क्या होती है? ना ये तेजी से बढ़ती है ना ये तेजी से गिरती है। क्योंकि अगर ये करेंसी तेजी से बढ़ने वाली है तो कोई उस करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करेगा, सब अपने पास होल्ड कर लेंगे। अगर वो करेंसी वैल्यू गिरने वाली है तो कोई करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है वो वैल्यू गिरने वाली है। तो करेंसी की सबसे मेजर स्ट्रेंथ होती है कि वो स्टेबल हो। तो जो चीज स्टेबल है उसमें इन्वेस्ट करने का, लंबे समय में जो चीज स्टेबल रहने वाली है, या एटलीस्ट सरकारें कोशिश करेंगी कि उनकी करेंसी क्या रहे, स्टेबल रहे, तो उसमें मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करने का कोई बहुत सेंस बनता नहीं है। कभी लकीली आपको कुछ मिल जाए उसमें तो अलग बात है, बट जनरली करेंसीज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती, ये पैसा पार करने के लिए होती है। दूसरा, यहां पर भी जब करेंसी मार्केट में आप फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं तो यहां पर भी जो लेवरेज, जो हमने कमोडिटी मार्केट इंट्राडे मार्केट दोनों में बात की है, यानी कि मैं लेवरेज ले सकता हूं, एक रुपए देके मैं 100 रुपए की करेंसी पोजीशन ले सकता हूं। तो मैंने 1 रुपए देके 100 रुपए की पोजीशन ली, लेकिन अगर गलती से वो 100 की चीज 1% भी गिर गई तो मेरे को पूरे 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लेवरेज जो है वो 100 टाइम्स की लेवरेज आ जाती है। तो यहां पर भी, तो इसको आप उन चीजों के साथ मिक्स करके जरूर देखिएगा, हमारी जो इंट्राडे की वीडियो है, कमोडिटी की वीडियो है और ये करेंसी की वीडियो है। तो हमने बोला इन सब में प्रॉब्लम ये है कि इनमें लेवरेज होती है, ये हेजिंग के लिए होते हैं, ये पैसा बनाने के लिए नहीं होते। तो आई होप आप ये समझ सकें कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर को अगर वो करेंसी मार्केट में जाता है और लेवरेज में पोजीशन लेता है तो वो एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि ये चीज पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी हमारे वीडियोज की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।